हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल पोस्ट अकेडमी एनसीईआरटी। आई हूं कुमार समी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास तीन के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेटा प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया बेटा कि निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है बेटा जिसमें ठीक है सार्वगुणनखंड जो होता है, जो सार्वगुणनखंड होता है वो एक आता है। क्या? जिनका सार्वगुणनखंड एक हो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती। तो पहले इनको देख लेते हैं, इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो 18 का गुणनखंड कितना होगा बेटा। देखो एक के पार में आ रहा है, दो नीम 18, ठीक है, तीन छीन 18, ठीक है, 35। ये किसके के पढ़ में आता है? एक के पढ़ में आता है, ठीक है, और दो के में नहीं आता, तीन के आते, पांच ते 35 और 35। अब देखो बेटा इन दोनों में समान क्या चीज है? सिर्फ एक समान है। क्या है? एक। तो जो इसका सार्वगुणनखंड आया, ठीक है, इसका जो सार्वगुणनखंड आया वो कितना है बेटा? एक आया। तो क्योंकि इसका सार्वगुणनखंड एक है, ठीक है, एक, वो बोला नहीं कि एक संख्या नहीं, एक ही सार्वगुणनखंड आना चाहिए, तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यह संख्या, यह संख्या सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इसका सार्वगुणनखंड ठीक है वो एक आया है, इसलिए सह अभाज्य संख्या। अब देखो जो 15 का, 15 के गुणनखंड क्या होंगे? देखो एक के पहाड़े में आता है, ठीक है, तीन के पहाड़े में आता है, तीन पंच 15, ठीक है, और 15 एकम 15। 37 जो होता है वो किस किस के पहाड़े में आता है? ठीक है, एक तो एक के पहाड़े में आता है, एक 37 के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो सार्वगुणनखंड है वो क्या हो गया बेटा? ये भी यही हो गया, एक ही है। ठीक है, तो जब सार्वगुणनखंड, ठीक है, सार्वगुणनखंड, ठीक है, वो कितना आया बेटा? जब सार्वगुणनखंड एक आया है, इसलिए यह, ठीक है, संख्याएं, यह संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यहां संख्याएं, संख्याएं है, ठीक है, क्योंकि इनका सार्वगुणनखंड कितना है बेटा? एक है, इसलिए ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं इसका, ठीक है, अब देखो 30 का अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो देखो एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में भी आता है, तीन धाम 30, ठीक है, चार एक, ठीक है, चार के पहाड़े, पांच छिंग 30, ठीक है, छिंग 30, ठीक, और पांच छिंग 30 हो जाएगा, 15 दो 30 हो जाएगा, 30 से कम 30, ये इसके वर्णखंड है। 415 एक के पहाड़े में आता है, पांच के पहाड़े में आता है, और आगे भी आएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज देखनी है बेटा कि अगर सार्वगुणनखंड एक से ज्यादा है, इसमें तो देखो एक मिल रहा है और पांच भी मिल रहा है, तो यह सार्व, ठीक है, यह इसका, ठीक है, यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका सार्वगुणनखंड एक से ज्यादा है।
ठीक है, एक से ज्यादा और एक के अलावा और भी है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इस इन संख्याओं का इन संख्याओं का सार गुणनखंड क्या बेटा, सार गुणनखंड एक से अधिक है, एक से अधिक भी है और अन्य भी है, अन्य है, ठीक है, इसलिए ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्या बेटा नहीं है, ठीक है। तो इसका ये था ए बी सी, ठीक है, इन तीनों में कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बताओ, ठीक है। ए पार्ट इसमें क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं इसके, ठीक है, सी के बाद, ठीक है, डी एफ पार्ट पे चलते हैं, चलो। तो देखो बेटा, और इसका आता है डी पार्ट, ठीक है, डी भाग में आता है 17 और 68, तो 17 का निकाल लेंगे, 17 गुणनखंड क्या होंगे, 17 किस किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता और 17 के पहाड़े में आता और किसी के पहाड़े में नहीं आता। अब 68 के अगर हम निकालें तो देखो, पहली बात एक गुणा 68 तब 68 आता है, ठीक है, दूसरी बात दो के अगर मैं गुणा करूंगा तो 2 × 3 = 2 × 4 = 8, ठीक है, और 6 नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा, 4 × 4 = 4 से जाएगा बेटा, 4 × 4, ठीक है, 5 × 4 = 28, ठीक है, उसके बाद 6 × 6 से नहीं जाएगा, 7 से तो और किसी का नहीं जाता, ठीक है। तो इसके आगे 1, 2, 4, 17, 34 और 68, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अगर हम बात करें, देखो एक तो सह इसमें अगर सार, ठीक है, गुणनखंड क्या हो गए, एक 17, अब जो 1 17 हो गए तो हमको पता है कि जब एक से अलग कोई आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या से अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, तो इसलिए ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, नहीं है बेटा। अब देखो 216 और 115, ठीक है, अब देखो बेटा 216 की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये तो एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, 36 के पहाड़े में भी आता है, 72 के पहाड़े में भी आता है, 108 के पहाड़े में आता है, 216 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, जैसे ये करा है मैंने, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब 215 की बात करूं मैं, 215 एक के पहाड़े में भी आ सकता है, ठीक है, 5 ही पहाड़े में आता है, 43 के पहाड़े में आता है और 215 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 215 के पहाड़े में आता है। तो अगर मैं इधर देखूं कि क्या क्या मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, सिर्फ एक, तो इसका सार गुणनखंड क्या हो गया बेटा,
तो इसका सार्व गुणनखंड कितना हुआ? एक। क्या हुआ? एक हो गया। तो इसलिए ठीक है, एक हो गया ना, तो लिखो इसलिए ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सार्व गुणनखंड कितना आ रहा है बेटा? एक आ रहा है। बाकी और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इसका एफ पार्ट देखो, 81, ठीक है। अब 81 किस किस में आएगा? देखो, एक के पहाड़ी में आएगा भाई, वही करके देखो ना, 1 × 81, ठीक है। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 × 2 = 6, ठीक है, और 3 × 7 = 21, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 7 × 7 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 81, ठीक है। ये किस किस के बारे में आ गया? 1 के बारे में, 3 के बारे में, 81, 87, 81, ठीक है, 27 के में और 81 में, ठीक है। 16 किस किस के बारे में आता है? 1 के बारे में आता है, 2 के बारे में आता है, 3 के बारे में नहीं आता, ठीक है, 4 के बारे में आता है, ठीक है, और 4 × 16, ठीक है, बस, और 16। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें सार्व गुणनखंड क्या है? एक आ रहा है, तो क्योंकि इसका सार्व गुणनखंड कितना आया? एक है, तो यह संख्या भी सह अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या ये संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, बस इतना सही तो करना था, ठीक है। तो यह संख्याएं भी सह अभाज्य संख्या है। भाई देखो, जिसके गुणनखंड में सार्व गुणनखंड अगर एक से अधिक हो या एक से अलग हो, ठीक है, तो वह संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती, अगर एक से अलग हो या फिर एक से अलग हो, ठीक है, और अगर एक होती है तो वह संख्या सह अभाज्य संख्याएं होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहीं पर प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो, इसी के चारों 6, ठीक है, 6 पार्ट जो थे वो समझना है, तो प्लीज को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर समझ में नहीं आया कोई भी पार्ट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा, चलो ख्याल रखो।